Hey guys, what's up? Namaskar, kaim chho, adab sat sri akal, vanakkam. Welcome back to our YouTube channel, Mr. and Mrs. Raj. मैं हूँ सचिन और साथ में है मनीषा यहाँ पे. और अभी प्रिंस और अंजना ये लोग निकल चुके हैं. ये लोग अपना कहीं जा रहे हैं. ठीक है, मुझे एक्चुअली में आइडिया नहीं है कहाँ जा रहे हैं, जो भी है. और मम्मी भी उधर है. तो सबको अपना अपना, ऑनेस्टली बताऊँ, सबको अपने अपने वीडियोस में इंटरेस्ट है, तो अच्छी बात है, ऐसे ही होना भी चाहिए. अपना अपना करे लोग भाई, कोई दिक्कत नहीं है. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से. मनीषा जा रही है अपने भाई के, क्योंकि कल इसके भाई की शादी है. आज करते करते सब देखते देखते लेट हो गया. तो यहाँ से हम लोग सीधे निकल रहे हैं और निकलेंगे तो अब देखते हैं क्या बनता है प्रोग्राम. बाकी कल शादी है, परसों विदाई वगैरह करके उसके बाद मैं भी निकलूँगा एंड मनीषा मायके में ही रहेगी. तो जैसा भी है, मनीषा फाइनली अपने मायके जा रही है. तो चलिए, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और जैसा भी होगा आपको सब दिखाएंगे. सबसे गुस्सा आने वाला चीज़ क्या है पता है? रेडी करवा करके बैठा दो और अपना सामान खोजते रहो. सब कुछ क्या देखना है? तैयार होकर बैठे हुए हैं तब अपना है। बेटी खोल रही है, देख रही है, पता नहीं कितना सामान इसको लेके जाना है. लहंगा लहंगे लेके चल जाओ. घर ही अपने कोचिंग भी जाएंगे पढ़ने. कोचिंग जाएगी अपने पढ़ने. देख रहे हैं उंगलियां दबाएगी तुम, हम खाली वही देख रहे हैं कि तुम कैसे लगा रही हो. छोड़ दो, बस हो गया. फाइनली छोटी बहू आशीर्वाद लेके चली गई मनीषा से. कहाँ गई है मनीषा को पता है शायद? अब पटना जी, अभी पटना गई है शायद, है ना? अभी पटना जाएंगे लोग. प्रिंस अपने ससुराल में बैठेगा आज, पता है क्या? फिर कल वो लोग शायद निकलेंगे. लेकिन हम इस कलर का साड़ी इसलिए पहने, पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जितना भी पीला कलर का साड़ी है सब हमारा अम्बाला वाले घर पे. तो हमारा अम्बाला वाले घर पे काफ़ी टाइम हो गया गए हुए, इसलिए अब ये वैसे हमको ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत सिंपल. बाय बाय, चलिए चलिए. तो भाई जब माइक के जाने से पहले आशीर्वाद लेने के लिए मेरे ही पहले बर्थ हुई क्या? पापा, पापा स्कूल पे लाइट जला दो. बोल दो कि जा रहे हैं. जा रहा हूँ मैं. हाँ चलो गाइस. भैया वो मेरा भी पहन लिया. हाँ जाना है छोटू, अभी चलेगा वो. चलो चलो, जल्दी चलना है तो चलो बैठो गाड़ी में. बैग पैक करके रखा है अपना रेडी. भाई ये वाला शर्ट जो है ना छोटू, ये छोटू के जितना थे तब पहनते थे. मेरा फेवरेट शर्ट था ये, पता तुमको? नहीं वो दूसरा है, छोटा हो जाता था मेरे लिए. तो गाइस मनीषा कर ये देख रहे हैं मेरा विदाई कैसे होता है ससुराल से. ऐसे होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं है, और अच्छा टाइम आएगा. Hey guys, तो अभी फाइनली निकल गए हैं अपने मायके के लिए और कुछ ज़्यादा रेडी नहीं हुए हैं, क्योंकि बस जैसे नॉर्मल घर में रेडी होते हैं वैसे ही रेडी हुए हैं. और अब यहाँ से अलविदा कहते हुए निकल रहे हैं, निकल गए हैं, कुछ दूर तक आ गए हैं. और आज भैया का मटकोर है, तो हम सोचे कि यार इतना लेट जा रहे हैं, एकदम टाइम पे जा रहे हैं, पता नहीं जाएंगे तो शायद वो लोग रहेगा भी कि नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो गया. सारा सामान अरेंज करना था और मेन बात है कि हम उधर से अपने मायके चले जाएंगे तो हमको आना यहाँ नहीं है, इसीलिए हम सोचे कि चलो यार अच्छे से सब कुछ कर लेते हैं. अभी तो कल हमको जो ड्रेस लेना है सब कुछ मैनेज करेंगे वहाँ जाके, पूरा भागा दौड़ी, फिर शादी ख़त्म होगा.
तब जाके करना है, तो सब काम खुद से ही करो और खुद से करना अच्छा भी लगता है। इससे लगता है कि हाँ, यहाँ पे ये भी बैठे हुए हैं, तो ये आज येलो पहने हुए हैं क्योंकि आज मटकोरे, तो हम बोले हम नहीं पहने, तो आप ही पहन लीजिए, कम से कम पहन लिए। बाकी चलते हैं अब यहाँ से, पर मौसी के यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा था, कब आओगे तुम लोग, कब आओगे, कब आओगे। तो अब फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से। ट्रैफिक भी है वैसे, जहाँ मुझे जाना है वैसे ज़्यादा दूर है नहीं। हमारा पर्स और हम दोनों साथ में। आप लोगों को पहले वाली मनीषा दिखेगी गाइस। का इंतज़ार था ना कि पहले वाली मनीषा, बहुत शान से रहने लगे थे हम, बहुत चुपचाप से रहने लगे थे, लेकिन अब नहीं, अब कोशिश करेंगे एकदम मस्त खुश रहेंगे और एकदम अच्छे से रहेंगे, घर पे भी रहेंगे। तो घर में ना इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कि हर एक बात पे हंसी आ जाती है, इसीलिए हम थोड़ा हंसने वाला टाइप के ही आदमी दिखते हैं। देख सकते हैं बैक साइड, ओ भाई कितना ज़्यादा वो है। आज ना पैकिंग करने के चलते पता है क्या हुआ, इतना ज़्यादा पैकिंग कर रहे थे ना कि खाना खाने ही भूल गए हैं। तब मिस्टर आज मेरे को इसमें बैठा के गए हैं, लेकिन बहुत रिस्की है यार अकेले ऐसे कार में बैठना, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ऐसे। चलिए मिस्टर आ जाएंगे तो बताएंगे। हे गाइस, तो भी इतना टाइम से हम लोग खड़े हैं, ढाला कब से खुला हुआ है, गाड़ी में तो डीजल भी एकदम बिल्कुल जीरो है, डीजल नहीं है और इतना ज्यादा यहाँ गुस्सा आता है गाइस। अभी देख सकते हैं यहाँ जब भी ना किसी का एक्सीडेंट होते रहता है। हे गाइस, तो पहुंच गए अपने बाइक। निकल गया है रास्ता में इधर, पापा अभी इतना वहाँ ना बहुत लेट हो गया, अब आए तो बता, यही से आगे पढ़ दिया।